कैसे हैं मेरे व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स कैसे हैं आप सब आज है बड़ा स्पेशल डे आज है मेरे बेटे की बर्थडे तो आज हम लेने जा रहे हैं केक लेने जा रहे हैं अच्छा सा मज़ेदार सॉफ्ट केक लेने जा रहे हैं तो चलिए मेरे साथ और जाके केक लेते हैं और इन्जॉय करेंगे और शाम की क्या प्लानिंग है वो भी सरप्राइज़ है वो सरप्राइज मैं वहाँ जाके बताऊँगी तो चले जी केक लेने चलते हैं चले जी हम आ गए हैं केक लेने के लिए आ, मार्क एंड स्पेंसर में आए हैं वहाँ का केक बड़ा मज़े का होता है और मुझे और बच्चों को बहुत पसंद है तो मार्क एंड स्पेंसर का केक ही लेने जा रहे हैं हम तो चले अंदर चलते हैं फिर देखते हैं ये देखें चले जी स्टोर के अंदर हम आ गया है और ये केक जो मेरे बच्चे पसंद से खाते हैं वो वाला केक है ये वाला चॉकलेट केक जो बहुत ही मज़े का है और बच्चों को बहुत पसंद आता है तो मैंने ये वाला चॉकलेट केक उठा लिया है बच्चों के लिए तो चलें केक तो हमने ले ली है अब आगे क्या करना है वो मैं जाऊँगी तो फिर आपको बताऊंगी तो आज का डे स्पेशल होने वाला है और बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन है और बस माँ के माँ होने का यही तो होता है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि अपने बेटे की बर्थडे को सेलिब्रेट करूं और अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी और ख़ुशियाँ दे आमीन आमीन तो उसके लिए मैंने फ़्लावर के बुके भी लिए हैं कि कौन सा फ़्लावर बुके उसको दूँगी पहले तो मैंने सोचा कि ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें रंग बिरंगी फ्लावर है। फिर मैंने सोचा कि आ, अगर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला फ्लावर है तो कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं तो नेक्स्ट देखने के लिए मैंने फिर ट्राई किया दूसरा वाला तो दूसरे में मुझे गुलाब आ हाय हाय गुलाब के आगे तो सारे फूल फीके हैं गुलाब में जो बाद है वो किसी में नहीं तो मैंने ये रोसेस लिए हैं बेटे के लिए और फिर मैं अपनी बेटी के साथ हम गए हैं के एफ सी के एफ सी से थोड़ा सा हम चिकन फ्राइड चिकन लेंगे और थोड़ा सा माँ बेटी बैठ के थोड़ा इन्जॉय करेंगे उसके बाद हमें घर जाना है और फिर जाके तैयारी पकड़नी है तो चले जी के एफ सी का ऑर्डर कर दिया है और ये रही मैं और ये रहा हमारा के एफ सी के एफ सी तो बड़ा मज़ा आ रहा है और मौसम भी बाहर कपड़ा प्यारा है और अभी तो मुझे घर जाके तैयार भी होना है ये तो मैं नॉर्मल गेट में हूँ मतलब के बर्थडे की तैयारी के कपड़े कुछ और हैं तो चले जी आप लोग बने रहें फिर वो ड्रेस दिखाऊंगी जो मैं बर्थडे में पहनने वाली हूँ तो हॉट विंग्स के मज़े आ रहे हैं भाई हम खा रहे हैं तो चले जी जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर हम चलेंगे आ, क्या कहते हैं घर और घर जाके तैयारी पकड़नी है तो इस तरीके से हमारा आज का दोपहर तो बड़ा अच्छा गया तो अब आ गया है शाम को डिनर है तो हम डिनर में जाएंगे और ये रही मैं मैंने ये सूट पहना है और ये ब्लैक में पूरे एम्ब्रॉड्री है धागे का काम है और ये मुझे बड़ा पसंद है और आज मैंने अपना फेस के जो स्टाइल है हेयर स्टाइल उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है आज मैंने हेयर स्टाइल को ट्विस्ट किया है ट्विस्ट करके पीछे की तरफ लेके गई हूँ सामने के और ये देखें नाइस लुक हल्का फुल्का सा मेकअप हमेशा की तरह हेवी मेकअप में कभी नहीं करती और ये रहा मेरा सूट बड़ा प्यारा सूट है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है तो ये वाला सूट पाकिस्तान का है और बहुत खूबसूरत है तो आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपने बेटे की बर्थडे में पहनी है तो आप सबको कैसी लगी ये सूट और ये हेयर स्टाइल मेरा कैसा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हेयर स्टाइल और सूट आपको कैसा लगा तो इस तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ और फिर चलने के बाकी बच्चे वगैरह भी तैयार हो रहे हैं फिर चलेंगे जहाँ हमें रात को डिनर करना है तो ये चले गए हम आ गए हैं प्रेशियन प्रेशन प्रेशियन पैलेस में जिसमें प्रेशियन पैलेस में यहाँ पे कबाब वगैरह बड़े मज़े के होते हैं इनके तो ये ज़बरदस्त ये जगह है और ये देखिए मैं इंटर हो गई अंदर और सबसे पहले मुझे कौन नज़र आया सबसे पहले मुझे नज़र आया है नान बनाने वाले ये तंदूर में नान गर्मा गर्म डाल रहे हैं वो देखेंगे हस्बैंड ने जगह बुक की हुई थी पहले से हम लोगों के लिए तो जगह हमारी बुक थी तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सिंपल रेस्टोरेंट है बट बड़ा खूबसूरत है तो ये देखिए ये नान भाई हमें नज़र आए उनकी तस्वीर थोड़ी सी ली फिर हम आ रहे हैं सीट अपनी जगह की तरफ जो हमारी बुक थी तो वहाँ बैठेंगे वैसे बैठने की बहुत सारी जगह थी बट हमने फिर भी बुक कर लिए थे ताकि वहाँ जा जाके परेशानी ना हो कि सीट नहीं मिल रही है तो ये रहा हमारा व्यू के व्यू के सामने बिल्कुल वाटर समंदर के सामने का व्यू है ये वाली सीट हमें मिली है और हम यहाँ बैठेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे सोन भी नजर आएंगे बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे ये देखें मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ पानी में बिल्कुल झिलमिल झिलमिल करता हुआ ये आपके सौन नज़र आ रहे हैं अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए सम टेबल भी है और कुछ उन्होंने बैठक बनाया हुआ है कि किसी को ज़मीन में बैठ के जैसे कि नहीं होता है जो सऊदी वगैरह बैठ बैठक में बैठ के खाना खाते हैं तो औसी इन्होंने ना कुछ ट्रेडिशनल लुक देने के लिए एक बैठक बनाया है जो मैं आपको अभी दिखाऊँगी ये देखें इन्होंने एक ज़बरदस्त सा बैठ के खाने के लिए बैठक बनाया है ये बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे क्योंकि अक्सर ये नज़र नहीं आता है यूके में मगर इन्होंने अपना टच दिया है अपना ट्रेडिशनल टच रखा है जो बड़ा प्यारा लग रहा है मगर मैं ये सीट हम इसमें नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको पता है कि क्या, क्या कहते हैं इतना हेवी जोड़ा पेन के यहाँ पर बैठना बड़ा मसला हो जाता है मैं तो बैठूंगी टेबल एंड चेयर पर तो ये रही हमारा स्टार्टर आ गया स्टार्टर में हमने हमोस मंगाया था और बाबा गनूश यानी बैगन का डिप तो हमोस हम्म� तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है जिसकी बर्थडे है और ये बाबा गनूश ये मेरा फेवरेट है ये बैगन का डिप बनता है एक प्लांट का जो बड़ा मज़े का होता है तो चले जी खा के देखते हैं कैसा जायका है इसका जायका तो माशाल्लाह मज़े का है बहुत ही मज़े का ज़ायका है और अच्छा भी है चले हमारा खाना आ गया खाने में हमने मिक्स बारबेक्यू ऑर्डर किया था जिसमें चिकन भी है और सीख कबाब है और ये मिक्स बारबेक्यू का प्लेटर है और इसके साथ जो राइस उन्होंने सर्व किया था वो बेरीज़ वाले राइस ये देखिए ये परिजियन बेरीज़ राइस जो है इनका फेमस होता है ये वाला राइस के साथ हमें ये सर्व किया है और यकीन जाने इतने मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ खाना बड़ा मज़े का था अगर जो यूके में है रेडिंग में है वो दी प्लेजियन प्रेजियन पैलेस में आ सकते हैं जहाँ मैं गई थी इसका तो मैं रिव्यू यही दूंगी कि खाना मज़े का था तो चले जी ट्राई करते हैं बेरीज़ राइस के साथ बहुत मज़े का था हल्का फुल्का मज़े का खाना था हमने तो बड़ा अच्छा एंजॉय किया उसके बाद डिज़र्ट की बारी आ गई डिज़र्ट में ये उनका आइसक्रीम बड़ा ट्रेडिशनल आइसक्रीम है इसको ये कहते हैं फालूदा और इसमें आइसक्रीम वो डालते हैं आपके ज़ाफ़रान वाला आइसक्रीम ये ज़ाफ़रानी फ्लेवर आइसक्रीम विथ फालूदा है तो इस तरीके से आज का शाम ढल गया और देखें सूरज हो रहा है सनसेट हमने खाना पीना माशाल्लाह खा लिया है थोड़ी सी व्यू का इन्जॉयमेंट करेंगे और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और ये रही मैं और मैं भी ज़रा सनसेट के सामने तस्वीर लूँ देखें ये शाम हमारी यादगार शाम है जो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से ये देखें बड़ा एंजॉय किया सुबह से ही हम एंजॉय ही कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया तो ये देखिए मैं यहाँ से अब जाने लगी हूँ घर की तरफ बट आपको व्यू में साथ ही साथ दिखाती जाऊँगी और वो जो डक है जो मैंने आपको दिखाना है वो भी आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सोन एंड डक्स दोनों हैं तो चले जी उस तरफ चलते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ज़बरदस्त है इनका ये एरिया ये पोशन भी बड़ा जबरदस्त है खूबसूरत है नेचुरल है और ये लुक देखें जरा जबरदस्त ये देखें चले जनाब हम आ हाँ गए हैं डक एंड सॉन जिस तरफ है उस तरफ आ चुके हैं और ये देखें ये डक्स वगैरह तो खुद ही पोस्ट दे रहे हैं देखें जरा मैंने इनको क्या पोज दिलवाना है ये तो खुद ही आराम आराम से इनका चलना देखें खुद ही पोज बना बना के दिखा रहे हैं ये देखें ये देखें ये पूरी फैमिली है अगर देखा जाए तो पूरी फैमिली है माशाल्लाह से और कुछ कुछ वाइट भी है ये देखें अब मैं आपको वाइट वाले भी दिखाऊंगी बड़े खूबसूरत इनकी पोज देखें ज़रा ये देखें कैमरा के सामने ये ख़ुद अपना इतना पोज बना रहे हैं तो मैं क्या करूं ये देखें ये वाइट वाले सोन भी है ये देखें ज़बरदस्त यहाँ पे बड़ा मज़ा आया थोड़ा सा नेचर की तरफ आप रहे ना तो आपको बड़ा मज़ा आता है ये देखें क्या खूबसूरत है वाइट वाले भी कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से तो चले जी ये भी अपने पोज बना बना के हमें दिखा रहे हैं और हम कैमरे में इनकी तस्वीरें को कैच कर रहे हैं ये देखें इनकी चलन देखें जरा आए हाय आए हाय आपकी तस्वीर तो मैंने बना ली है ये देखें ये देखें डक्स को भी पता चल गया है कि यहाँ कोई कोई फोटो शूट हो रहा है तो ये देखें एक तो बिल्कुल ऐसे पोज बना के हैंग हो गई है <laughs> ज़रद यार ज़बरदस्त है बड़ा ज़बरदस्त लगा हमें तो ये देखें मेरे बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया है ये देखें अब आ गई मैं अब मैं ज़रा कैमरे के सामने इन बतख के सामने ज़रा सा अपना फ़ोटोशूट बना लूं, ताकि ये मेरी मेमोरी में, में और मेरी पिक्चर में हमेशा यादों में रहे, ये देखें ये देखिए डर लग रहा है कोई पीछे से आ ना जाए मुझे ये डर लग रहा है मुझे दूर दूर से दूर दूर से प्यार तो सही है मगर करीब से कोई ना आ जाए मतलब यहाँ से ना डक ना आ जाए अच्छा मेरा बेटा कह रहा था मम्मी वो काटेंगे अगर आप उनको तंग करेंगी तो चले जी आज का शाम यहीं पे ख़त्म हुआ आप सबको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और आने वाले व्लॉग में भी आप लोगों को ऐसी बहुत सारे व्लॉग देखनी है तो कॉमेंट्स में बताइएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें